नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति टेक्निकल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इस तरह का देखिए वाटर हीटर है, तो ये अगर ख़राब जा रहा है, इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है, हम आपको बताएंगे। तो इस समय देखिए वाटर हीटर जो बाल्टी में इसको यहाँ पर फिट करके इसको लटकाया जाता है, जिससे पानी गर्म होता है। तो देखिए दोस्तों, बनने के लिए आया है, ये चालू नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर सीरीज में चालू है हमारा, और यहाँ पर इसके दोनों मेन प्लग में लगाते हैं। तो अगर ये सही रहता है तो सीरीज हल्का हल्का ग्लो करता है। इस समय सीरीज ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये चालू नहीं है, डेड अवस्था में है। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बोर्ड में से कनेक्शन हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इमर्सन रॉड किस कंपनी का है। यहाँ पर देखिए हैवेल्स कंपनी का है, वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता है, पूरी तरह पैक रहता है। तो यहाँ पर देख सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो ये कॉपर का जो इसमें पाइप होता है, तो ये अगर कहीं से फटा रहता है तो करंट भी आता है, लीकेज भी करता है, जिससे पूरी तरह ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कोई तरह से फूटा उटा तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर देखिए इसका ये कैप दिया हुआ है, कैप पहले से खुला हुआ था, तो इसको यहाँ पर कैप को निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंदर से ये वाटर प्रूफ है पूरा, अंदर से इसका जो वायर आता है, ये देखिए यहाँ पर एक वायर इसका जो लाल वाला है जल चुका है, इसके वजह से लगता है चालू नहीं हो रहा था। तो इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे तो हो सकता है चालू हो जाए। तो चलिए इसको देखते हैं कनेक्शन करके। और यहाँ पर एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है। तो चलिए इसको रिपेयर करना है तो ये इसको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले इस तो यहाँ पर रेड वाला वायर यहाँ से अंदर से जल चुका है, इसको अच्छे से यहाँ पर इसके कवर को हटा के यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसका वायर अंदर है, एक वायर बाहर है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक स्लिप लेना होगा। ये स्लिप मैं पहले से ही इसमें डाल दिया हूँ इसके वायर के ऊपर। अब ये हमारा रेड वाला वायर एक अंदर का है, एक इसके अंदर का, दोनों को मिलाकर अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन करना है, वो भी पूरी तरह से टाइट। थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो स्पार्किंग कर सकता है। तो यहाँ अच्छे से इसको आप चाहें तो इसके शोल्डर भी कर सकते हैं, जिससे ये टूटे ना। चलिए इसको यहाँ पर हम अच्छे से टाइट कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा स्लिप है, स्लिप के इसको अंदर से पैक कर देंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहेगा और हमारा इमर्सन रॉड अच्छे से वर्क करेगा। स्लिप को जो हमारा जोड़ था, जोड़ के ऊपर ये स्लिप को हम पूरा ऊपर की तरह पैक कर दिए हैं, जिससे कहीं से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और ये हमारा दूसरा वाला हल्का सा जो ब्लैक वाला रे, यहाँ पर हल्का सा इसका ऊपर का जो पीवीसी हट गई, इसको भी हम टेपिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ब्लैक वाला वायर हल्का सा पीवीसी हट गया, इसको भी टेपिंग कर दिए। और रेड वाला हमारा जल के टूट गया था, इसको भी यहाँ पर स्लिप लगा के अच्छे से टाइट कर दिए। और ये हमारा पीला वाला अर्थ वाला होता है जो बॉडी से अटैच होता है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन ओके हो गया है। अब इसके ऊपर का जो कैप है, इसको अच्छे से यहाँ पर चिपकाना होगा, क्योंकि इसका लॉक वॉक निकल गया है। और दूसरी बात, इसमें ये काम ये करना कि जो हमारा वायर है, जब ये घिसता है तो यहाँ से वायर बाहर आ सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमको फेविक्विक की सहायता लेनी होगी। तो फेविक्विक से क्या होगा कि इसको यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा वायर बाहर नहीं निकलेगा। चलिए यहाँ पर फेविक्विक लगाते हैं और थोड़ा सा इस पर बालू का चूरा वूरा डाल देंगे, जिससे हमारा पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो इस तरह से इमर्सन रॉड को आप घर पर इजीली से रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें केवल इसका जो रॉड होता है, इसमें रॉड में से दो वायर निकलता है, एक न्यूट्रल और एक फेस, वही हमारा जल जाता है तो इमर्सन रॉड काम नहीं करता है। कभी कभी इमर्सन रॉड शॉर्ट भी हो जाता है, जिससे इसमें करंट उतरता है। तो उसको भी चेक करके आपको बताएंगे कि हमारा इमर्सन रॉड शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से यहाँ पर हम फेविक्विक से पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा इमर्सन रॉड बन के तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ टेस्टिंग बाकी है। इसको अभी चेक करके दिखाएंगे कि इसमें जो इसका जो इमर्सन रॉड है, रॉड में कहीं बॉडी से करंट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बनाने के बाद एक बार चेक करना आवश्यक है। किसी भी टेक्नीशियन भाई हैं अगर रिपेयर करें तो इस बात का ध्यान दें
कि उसको बनाने के बाद एक बार अवश्य चेक करें सीरीज से कहीं बॉडी करंट तो नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा पैक करने से पहले। तो दोस्तों अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम करने हैं तो जूते चप्पल का ध्यान जरूर दें। तो चलिए दोस्तों इसको सीरीज में हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए सीरीज ग्लो कर रहा है और इसके दोनों प्लग पर न्यूट्रल और फेस पर लगाते हैं तो सीरीज हमारा हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा इमर्सर आर्ट सही है। लेकिन अभी इसको बॉडी से एक वायर को बॉडी में लगाएंगे और एक हम प्लग में लगाएंगे। और इसमें अगर स्पार्किंग आता है बॉडी से, देखिए बॉडी से स्पार्किंग आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा इमर्सर आर्ट ख़तरनाक हो सकता है। एक ख़राब है पूरी तरह से। इसको इस्तेमाल ना करें तो बढ़िया, क्योंकि ये बॉडी से करंट आ रहा है तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए देखिए बॉडी वाला हमारा तार में बॉडी बता रहा है, लेकिन एक प्लग पे लगा रहे हैं एक बॉडी बता रहे हैं तो इस तरह से स्पार्किंग आ रहा है। तो दोस्तों इसको बनाए तो ठीक है, लेकिन एक कामयाबी नहीं है, इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाल्टी में पानी जब डालेंगे तो बाल्टी में भी करंट उतरेगा।